आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। सारी जातिवादी गतिविधियों को तोड़कर संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अंबेडकर स्वराज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज और अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले जंग का ऐलान करने वाले टीपू सुल्तान, मैं दिल की गहराइयों से तहे दिल से इनका स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। वो कौन थे शासक थे जिन्होंने अपनी जान देकर अपनी औलाद कुर्बान कर देश की लड़ाई लड़ी है। 900 साल की हुकूमत में एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया। आप ही लोग बोलते हैं 900 साल मुसलमानों ने यहां पे राज किए और आज 4 साल की हुकूमत में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, आज 4 साल की हुकूमत में रोडों के नाम बदले जा रहे हैं। हमें समझने की बात है कि ऐसी बीमार मानसिकता हमारे बीच में आज पैदा हो गई है और हम हमारे लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। संविधान क्या है और संविधान खत्म करने के लिए आज कैसी कैसी कोशिशें हो रही है हमारे बीच में इसकी कल्पना नहीं है। संविधान खत्म करना इस देश से पिछड़ों को खत्म करने के बराबर है। संविधान अगर खत्म हो गया ना हमारा देश बच सकता है, ना हम अपने आप को बचा सकते हैं, ना हम हमारे समाज को बचा सकते हैं। अगर से संविधान को इस देश के अंदर अगर जिंदा रखना है तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। आज आरक्षण खत्म करने के लिए कैसी कैसी नाकाम कोशिश हो रही है। आरक्षण में बोला जाता है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने सिर्फ 10 सालों तक समाज सुधारना करने के लिए आरक्षण लागू किया गया था। अरे बाबा, जब तुम आरक्षण की बात करते हो तो फिर मुझे यह भी बोलना चाहिए कि आरक्षण के अंदर खैरलांजी के अंदर जो कांड हुआ, जो घर को जिंदा जलाया गया भैया साहब बहुत मांगे को, वो भी आरक्षण में नहीं था। अरे अगर दलित घोड़े पे चढ़ के दूल्हा भरता है तो दलित को कत्ल कर दिया जाता है, ये भी आरक्षण में नहीं था। रोहित वेमुला की हत्या हो जाती है, उसको उकसाकर आत्महत्या पर मजबूर करते हैं, ये भी आरक्षण में नहीं था। नजीब को गायब कर दिया जाता है जेएनयू से, ये भी आरक्षण में नहीं था। सिर्फ आरक्षण के अंदर आप ये समझ रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे और जो भागीदारी हमारी है, जो सांसद जो विधानसभा के अंदर हमारे आमदार जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। आरक्षण का मतलब ये नहीं है। आरक्षण के अंदर आरक्षण खत्म करना मजे हमारी जो भागीदारी है देश के अंदर वो खत्म कर देना है, ये हमको समझना पड़ेगा। हमारे प्रतिनिधि जाएंगे नहीं संसद में, नहीं जाएंगे हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में, नहीं जाएंगे हमारी आवाज उठाने वाला कौन रहेगा, कोई भी नहीं बचेगा देश के अंदर। ये इनकी एक चाल है जो संविधान खत्म करने के ऊपर तुले है। और हमको भी किरदार, ऐसा किरदार बनाना है जैसा बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था। हमें ऐसा किरदार बनाना है जो टीपू सुल्तान ने बनाया था। हमें ऐसा किरदार बनाना है जो फजले हक खैराबादी ने पहले अंग्रेजों को खत्म करने के लिए फतवा लगाया था। ऐसा किरदार हमारा नहीं है, इसलिए
आज संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। अरे जो बाबा साहब को तुम अपने आगे झुका नहीं सके, तुम लोगों को बाबा साहब ने झुका दिया, उनका संविधान तुम क्या खत्म करेंगे? अरे तुम किताबों में से संविधान हटा दो, लेकिन हमारे दिल के अंदर बाबा साहब के लिए जो जगह है वो तुम खत्म नहीं कर सकते। और सबसे पहले संविधान जो खत्म करने की पहली चाल चली गई है वो क्या है? तीन तलाक से। तीन तलाक क्या है? हम मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बहुत अच्छे। जो मुजफ्फरनगर के अंदर मां बहनों पे बलात्कार हुआ वो इंसाफ कौन देगा? वो इंसाफ नहीं है आज तीन तलाक पे? अरे तीन तलाक नहीं है, संविधान खत्म करने की पहली सीढ़ी है। अगर ये तीन तलाक अगर मंजूर हो गया तो संविधान खत्म करने का पहला इनका मकसद कामयाब हो जाएगा। ये ध्यान रखो मेरे दोस्तों। ना मैं कोई पार्टी से जुड़ा हूं, मैं सिर्फ आज आया हूं तो आज बाबा साहब के ओरिजिनल खून को देखने के लिए आया हूं। क्यों? अरे दलित समाज को बचाने के लिए, मुस्लिम समाज को बचाने के लिए आज देश के अंदर बहुत लीडर है, लेकिन कौन किसकी गोद में जाके समा रहा है ये सब हमको पता है। ऐसे बाबा साहब के ओरिजिनल खून है जो अभी भी स्टैंड बन के एक जगह पे टिके हुए हैं, किसी के गोद में जाने की कोशिश नहीं की। ये बाबा साहब है, ये बाबा साहब की ओरिजिनल औलाद है। मैं आपसे आज आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आने वाले मेहमान भी है और हमें उनमें भी सुनना है। इंशाल्लाह आप तो बार बार सुनते रहेंगे कि वे सोने बागड़े साहब जो है बहुत बढ़िया मूवमेंट चला रहे हैं यहाँ पर, हर काम के अंदर आप भी साथ दीजिए इनका, क्योंकि जब तक कि हमारे नुमाइंदे आगे नहीं बढ़ेंगे हम अपने आप को नहीं बचाएंगे। बस इस शेर के साथ मैं अपना दो अल्फाज यही खत्म करूंगा कि झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, झूठी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह है भिखारी नहीं है हम, और जब भी शिकार किया है शेर का किया है, मासूम मिलने के शिकारी नहीं है हम। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।